कुमार भैया नमस्ते। आज नमस्ते नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। सभी को। सुनील भैया नमस्ते। जी भैया, आज अर्जिता दीदी की शेयरिंग है। जी दीदी, स्वागत है आपका। दीदी प्रेजेंटली एज अ विजिटिंग फैकल्टी आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर में कार्यरत है। एक रेगुलर जॉब नहीं कर रही हैं दीदी अभी। उन्होंने 2018 में एक वर्कशॉप को अटेंड किया था। उसके बाद उन्होंने दोबारा से जून के महीने में इसी साल ऑनलाइन इंट्रोडक्टरी जो वर्कशॉप है तो उसको अटेंड किया, और शायद ऑफलाइन भी एक वर्कशॉप अटेंड कर चुकी हैं दीदी। तो दीदी दीदी आपका स्वागत है। जी दीदी, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते सभी को। मेरा नाम अर्जिता द्विवेदी है और मैं यहाँ ग्वालियर में अपने मम्मी पापा के साथ मैं रहती हूँ। ग्वालियर मध्य प्रदेश में मेरे पापा श्री के एन द्विवेदी, जो शिक्षा विभाग विभाग से रिटायर्ड हैं, और मम्मी श्रीमती प्रतिभा द्विवेदी, उन्होंने हम सबको और घर को संभालने की जिम्मेदारी ली हुई है। और मेरी बड़ी बहन अपने स्पाउस और बिटिया के साथ ग्वालियर में ही रहती हूँ, तो अभी हमारा पूरा परिवार यहीं ग्वालियर में निवास कर रहा है। अगर मैं पॉइंट वाइज बिंदुओं के हिसाब से अपनी बात को रखने की कोशिश कर रही हूँ, तो सेशंस को सुनने के बाद मैं अपने आप में जो शिफ्ट देख पाई हूँ उनमें सबसे स्पष्टता से ये दिखा है कि मुझे शुरू तो स्वयं से ही करना है, और सही समझ को विकसित करने और पहले से जो भाव और विचार और संस्कार मुझ में संचित हैं उनका परिमार्जन करने से ही शुरू करना है। ये बहुत स्पष्टता से, जैसे जैसे एक्सप्लोर कर रही हूँ वैसे वैसे और स्पष्टता इस बात की बन रही है कि स्वयं से शुरू करना और दोनों स्तर पर करना। मानव के स्तर पे अगर मैं देखूँ तो ये बात पहले भी कहीं ना कहीं ये दिखाई तो देता था कि सिर्फ शरीर वास्तविकता नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है जो शरीर के बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा लगता था। लेकिन बहुत स्पष्टता नहीं होने के कारण शरीर के द्वारा ही अपना होना दिखता था। तो अब एक्सप्लोरेशन के बाद मानव में है और शरीर का सह अस्तित्व है, और सेल्फ यानी मैं केंद्र में हूँ, इसको अपने आप में देख पा रही हूँ। और इसलिए सिर्फ शरीर के ऊपर ध्यान नहीं बना रहता, और इस बात को अपने अंदर देख पाने में समय लगा है। पहले सूचना के रूप में देख पा रहे थे और अभी अपने आप में सीधे सीधे देखना बन पा रहा है, ये मानव के बारे में जो बात है। जो सेल्फ की हायर लेवल एक्टिविटीज हैं उनको समझने में भी बहुत सारा अध्ययन और अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ सूचना के स्तर पे इस चीज को समझा नहीं जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। और तो मेरी क्लैरिटी अभी वहां नहीं बन पाई है। क्लैरिटी ना बनने के पीछे कोई सूक्ष्म संस्कार काम कर रहा है जो अभी दिखाई नहीं दिया है, इसलिए परिमार्जन नहीं हुआ है उसका। लेकिन हायर एक्टिविटीज को समझने के लिए तत्पर हूँ और प्रयास कर रही हूँ। प्रकृति की व्यवस्था के प्रति ये समझ बन पाई है कि प्रकृति में सब कुछ व्यवस्थित है ही, मेरा काम सिर्फ उस व्यवस्था को समझ कर उसके साथ निर्वाह करना है। तो पहले जब शेष प्रकृति में होने वाले जो बदलाव थे ना, सर्दी गर्मी या बहुत सारा कुछ होता है, वो उसे विरोध अपने आप में दिखता था, बहुत ज्यादा विरोध बना रहता था। यानी मौसम बदल रहा है तो अपने को उसमें एडजस्ट करने की बजाय उसके प्रति प्रति विरोध दिखता था। लेकिन अभी ये हो रहा है कि उस विरोध के प्रति ध्यान चला जा रहा है, और वो जो सारे बदलाव हैं वो प्रकृति में हो रहे हैं और मेरा उसके साथ बने रहना दिखाई देता है। तो सह अस्तित्व का आभास वहां पर हो पाता है, उसके कुछ ग्लिम्स मिल पाते हैं कि मेरा प्रकृति के साथ सह अस्तित्व है, उसका कुछ ग्लिम्स मुझे मिल पा रहे हैं। सहस्तित्व दिख गया है या समझ आ गया है ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन स्वीकृति बड़ी है प्रकृति के प्रति अपने निर्वहन के बारे में। ध्यान जा रहा है। अभी तक सुविधाओं का उपयोग और अक्यूमुलेशन
प्रकृति सहज है या नहीं इस पर ज्यादा ध्यान बना हुआ नहीं था, लेकिन कम से कम अब थोड़ा दिखाई देने लगा है और उस तरह से दीप जिया जा सकता है, प्रकृति सहज तरीके से इसकी स्वीकृति बन गई। जैसे मैं जब ड्राइव करती थी हमेशा अभ्यास बना रहता था कि जैसी गाड़ी में बैठ रही हूँ और समय तो मौसम थोड़ा अनुकूल नहीं है तो मैं एसी चलाकर ही बैठती हूँ हमेशा, और जितने समय ड्राइव हो रही है उतने समय एसी चलना जरूरी रहता है। लेकिन अभी मैं अपने आप में बिना किसी प्रयास के अपने आप में ये देख पाई कि वो एसी चलाने की मेरी जो अपने अंदर से एक बाध्यता थी मेरे मेरी बनाई हुई वो भी खत्म होती दिख रही है। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़े, जब प्रकृति के साथ में अपना होना दिखाई दे रहा है तो गाड़ी की एसी, घर के एसी या बाकी सुविधाओं के प्रति बहुत निर्भरता दिखाई नहीं दे रही, और ये जब अपने आप हो पाया है तब मैं बहुत जिम्मेदारी से उस बात को कह पा रही हूँ। पहले शरीर में कुछ भी हो रहा है तो दवाएं लेना और खाने पीने के जो ऑप्शंस हम चूज करते हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा सजगता नहीं थी, लेकिन जब जैसे ही जैसे प्रकृति के साथ में अपना होना दिखाई दे रहा है तो प्रकृति सहज क्या है और उसको समझते हुए उस वो निर्णय हो पा रहे हैं। अस्तित्व के बारे में अभी बहुत एक्सप्लोर करना बाकी है, बहुत बहुत एक्सप्लोर करना बाकी है। जिम्मेदारी अगर ईमानदारी से मैं कहूँ तो अभी बहुत कुछ सिर्फ सूचना और मान्यता के रूप में स्वीकारा हुआ है, जो भी कंटेंट है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं तो सूचना और मान्यता के रूप में स्वीकार हुआ है। और एक लेवल पर जब चीजें सी साफ साफ नहीं दिखती हैं तो मुझे लगता है कि तो उसको स्वीकारना पहला स्टेप है और ध्यान बना हुआ है कि हम उसे देख पा रहे हैं कि नहीं। इकाइयां और शून्य दोनों वास्तविकताएं हैं ऐसा लॉजिकली तो ठीक लगता है, क्योंकि इकाइयों के बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, दूरी है, वो तो देख पा रहे हैं, लेकिन अपने अधिकार पे ये नहीं कह पा रही हूँ कि इकाइयां स्वउर्जित और स्वयं में क्रियाशील, और क्रिया जो शून्य है वो क्रिया शून्य है। तो लॉजिकली दिख रहा है, अपने अधिकार पर नहीं दिख रहा, ये अपने आप में मैं देख पा रही हूँ। वहाँ बहुत सारा अध्ययन और अभ्यास वहां पर भी रिक्वायर्ड। इकाइयों में जो चक्रियता और लिनियरिटी की बात है, जब उनकी गति की और विकास की बात होती है, वो अगर अपने आप में जांच करके देखूं तो दिखाई देता है। जैसे अगर अपने आप में मैं देखूं तो जो भाव और संस्कार जो परिमार्जित हो जाते हैं ठीक से, वहां वापस गड़बड़ होती नहीं। इस तरह से अगर मैं देखूं तो सेल्फ में जो विकास है वो लीनियर है और शेष प्रकृति में जो विकास है वो चक्रीय है, ऐसा दिख पा रहा है। तो ये अस्तित्व के बारे में, ह्यूमन कंडक्ट के बारे में अगर कहूं तो ऐसा लगता है कि जितना जितना हम अपने भाव विचार और संस्कार को देख पाते हैं उतना उसका उतनी तेजी से उसका परिमार्जन हो पाता है और उस हिस्से में आचरण निश्चित हो जाता है। इतना मैं अपने आप में देख पा रही हूँ, जो ठीक से परिमार्जित हो गया वही आचरण निश्चित हो रहा है, नहीं तो बहुत सारा प्रयास अपने व्यवहार को ठीक करने में लगाते हैं उसी को आचरण ठीक होना मान लेते हैं तो, लेकिन ये अभी बहुत ठीक से मूल्यांकित हो पा रहा है कि जहाँ ठीक से दिखाई दिया और जो परिमार्जित हुआ वही मेरा आचरण निश्चित हो पा रहा है। तो दिन में कई बार इसकी झलक मिल जाती है, कई बार इस पर ध्यान जाता है कि कहाँ कहाँ अपना आचरण निश्चित नहीं हुआ है, और अधिकांश जगहों पर उसके पीछे की अपनी मान्यता भी दिखने लगी। ये उपलब्धि के रूप में मुझे दिखाई देता है अपने, और इससे मोटिवेशन बना रहता है अपने ऊपर काम करने का। अब जितनी जगह आचरण निश्चित हुआ है वहां भी मूल्यांकन हो पा रहा है, कभी कभी चूक भी हो जाती है और लेकिन ध्यान बना रहता है। पहले बेचैनी हो जाती थी जहाँ गड़बड़ हो जाती थी व्यवहार में, आचरण में या विचार भाव के लेवल पर, जहां भी गड़बड़ हो जा रही अभी भी होती है, लेकिन पहले बेचैनी बहुत हो जाती थी, पीड़ा बहुत होती थी। तो अभी पीड़ा की जगह धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहूंगी पीड़ा बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हाँ पीड़ा की जगह जिम्मेदारी दिखने लगी है कि
अगर यहाँ पर गड़बड़ हो रही है तो यहाँ ध्यान बनाए रखना है और यहाँ पर और रिगरसली काम करना है। ये एक शिफ्ट मैं देख पा रही हूँ अपने आप में। एक्सरसाइज वन के बारे में मैं शेयर करूँ तो अपनी कल्पनाशीलता को तो देख पा रहे हैं और वो पहले भी और हमेशा ही ये भी ध्यान बना हुआ है। पहले सिर्फ सूचना के रूप में दिखता था, अभी तो देख पा रहा है सीधा सीधा। पहले अधिकांश समय क्या चल रहा है वो पकड़ में नहीं आता था कल्पनाशीलता में। बहुत देर तक बहुत सारे रैंडम विचार, कुछ आवाजें, कुछ ध्वनियां, ये सब चल रहे होते थे जिनके बीच में कोई तारतम्य भी नहीं होता था। बहुत एब्सर्ड, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड वे में वो कल्पनाशीलता चलती रहती थी, लेकिन ध्यान भी नहीं जाता था। अभी भी डिसऑर्गेनाइज्ड काफी कुछ चल रहा है लेकिन पकड़ में आ जाता है, ये मैं देख पा रही हूँ। जैसे जैसे इस एक्सरसाइज को हम एक्सप्लोर करते हैं तो ये पकड़ में आ रही है कि, और वो बहुत देर तक नहीं चलता जो रैंडम और डिसऑर्गेनाइज और एब्सर्ड कल्पनाशीलता जो चल रही थी वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलती और ध्यान अपने आप पे चला जाता है। ये शिफ्ट दिख रहा है, यहाँ तक कि सोते वक्त भी जो कल्पनाशीलता चलती थी उस पर भी अब ध्यान बना रहता है और सोते वक्त भी इतनी सजगता कभी कभी देखने में मिल रही है जो पहले कभी नहीं होती थी, कि जो कल्पनाशीलता मेरी सोते वक्त चल रही है उसके पीछे दिन की कौन सी घटना, मेरी कौन सी मान्यता और संस्कार काम कर रहा है, ये कई बार सोते वक्त भी पकड़ में आ रहा है। इसको मैं एक उपलब्धि के रूप में देख रही हूँ। मैं जब जब ये कह रही हूँ कि मैं उपलब्धि के रूप में देख रही हूँ तो मैं पहले की बात करूँ तो पहले मेरा इसके प्रति ओवर एवेल्यूएशन बहुत होता था खुद का, लेकिन अभी जैसे जैसे चीज दिखती है वैसे वैसे ध्यान और बना रहता है अपने सही सही मूल्यांकन के लिए। तो एक ये भी शेयर करना चाहूंगी। स्टेप टू के बारे में भी ज्यादा क्लैरिटी बनी है पहले से और कई विचार बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाते हैं जो सहज स्वीकार नहीं होते, तो अपना निर्णय बन पाता है कि इसे चलाना है या नहीं। तो और उसका सीधा सीधा जो चेक पॉइंट है कि अगर मैं कंफर्टेबल हूँ उस विचार को लेके, पहले तो कंफर्टेबल नहीं होते थे, डिस्कम्फर्ट भी होते थे तो उसको चलाए जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई वो मान्यता पुष्ट हो रही होती कि किसी और ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, कोई घटना ऐसी थी, वहां हम ठीक थे, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, उस मान्यता को पुष्ट करने के लिए उस विचार को चलाए रहते थे भले ही वो डिस्कम्फर्ट दे रहा है। लेकिन अभी वो ध्यान जाता है कि अगर वो मुझे डिस्कम्फर्ट में ले जा रहा है तो मुझे सहज स्वीकार नहीं है, वो ड्रॉप हो जाता है। ये शिफ्ट अपने आप में देख पा रही और अब मेरा निर्णय बना हुआ है इसे चलाने के लिए। और जो भाव और विचार मुझे परेशान करते हैं उनमें मुझे परेशान होना है या नहीं होना है इसमें भी मेरा निर्णय बना हुआ है। बाहरी परिस्थितियां और कोई भी व्यक्ति या कुछ और इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये दिखाई देता है हमेशा नहीं, लेकिन अभी वो पहले ज्यादा समय तक दूसरों को दोष या परिस्थितियों को दोष देते थे लेकिन अभी वो समय जो है वो कम हुआ है। और बहुत सारी जगहों पर तुरंत नहीं दिखता क्योंकि जहाँ संस्कार बहुत गहरे हैं वहां समय लगता है, मान्यताएं गहरी हैं वहां थोड़ा देर में दिखता है, लेकिन दिखने लगा है इतना मैं देख पा रही हूँ। जैसे जैसे अभ्यास कर रहे हैं वैसे वैसे वो समय कम हो रहा है और निर्णय जो मेरा बना हुआ है वो अगर सहज स्वीकृति के आधार पर निर्णय है तो स्वयं में आराम देख पा रहे हैं। और कई बार जब मान्यताओं के आधार पर हम वो निर्णय ले रहे हैं तो वो भी दिख पा रहा है। स्टेप 6 और 7 को पर थोड़ा रिगुलरसली अभ्यास करना बाकी है, बहुत बहुत ज्यादा स्पष्टता तो नहीं बनी है लेकिन अभ्यास चल रहा है। एक्सरसाइज 2 की बात अगर मैं करूँ वो सेल्फ के द्वारा सेल्फ और बॉडी को देखना, तो मैं और शरीर को क्रियाओं के द्वारा देख पा रहे हैं कि दोनों ही वास्तविकताएं हैं और दोनों का अलग अलग अस्तित्व है।
तो जो दोनों के बीच में दूरी बनी हुई है वो दिखाई देती है, दोनों के बीच में सूचना और संवेदना के रूप में आदान प्रदान है, इंटरैक्शन है, ये भी जब ठीक से ध्यान देते हैं तो दिखाई देता ही है, ये मैं अपने आप में देख पा रही हूँ। और इसमें जो इंस्ट्रक्शन शरीर को दिए जा रहे हैं वो मैं द्वारा दिए जा रहे हैं, उनका निर्णय मैं का है, मैं मेरा है, ये पहले से और स्पष्टता से दिखा है कि पहले शरीर की संवेदनाओं को पढ़कर उस हिसाब से निर्णय बनता था या उसके लिए बाध्य महसूस करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर को प्रमुख मानकर चल रहे थे। लेकिन जितना जितना ये स्पष्ट हो रहा है कि निर्णय तो मेरा ही है ना, जैसे सुबह उठने वाली बात है, तो जब महत्वपूर्ण मानते हैं सुबह उठने के इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं शरीर को, और वहां शरीर की तरफ से कुछ विरोध आता हो या कुछ कठिनाई आती हो ऐसा नहीं है, जब मेरा निर्णय स्पष्ट है तो शरीर मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, ये अपने आप में देख पा रही हूँ। और मेनली मैं सुबह उठने को लेकर और जो भागीदारी है घर में उसको लेकर मैं देख पा रही हूँ। और शरीर की जो संवेदनाएं हैं वो पढ़ने के लिए भी मैं बाध्य नहीं हूँ, तो मेरा ही निर्णय है कि उनको मैं मुझे पढ़ना है और कब पढ़ना है और कितना उसको वेटेज देना है, ये मुझे दिखाई देता है। मुझे पिछले कुछ सालों से बैक पेन की प्रॉब्लम है, तो कई बार ऐसा हुआ कि 2-3 साल में कि मुझे एडमिट होना पड़ा उसके लिए, क्योंकि वो दर्द असहनीय था और कई सारे ऐसी दवाइयां लेनी पड़ी, स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट लेना लेना पड़ा, तो उसका जो साइड इफेक्ट बाद में शरीर पे आया तो ये सब दिखाई दे ही रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो दर्द इतना असहनीय है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। लेकिन जब से खुद पर थोड़ा काम किया इन एक्सरसाइजेस के माध्यम से, तो वो दर्द बना हुआ ही है और उसको ज्यादा होलिस्टिकली कैसे ठीक करना है इस पर ध्यान गया। पहले वो पता था लेकिन स्वीकार नहीं था, जो उसकी स्वीकृति नहीं बन रही थी, लेकिन अभी उसकी स्वीकृति भी देख पा रही हूँ। और वो दर्द मेरी एक्टिविटीज में, मेरे कार्य और व्यवहार में कितना व्यवधान बनेगा कितना नहीं, ये अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंट्रोल में है कि कब मुझे उस दर्द को ठीक से रीड करना है और उसके प्रति ध्यान देना है, और कितना मुझे उसे रीड किए बिना भी मेरा काम चल रहा है, इस पर ध्यान गया है और ये मैं अपने अंदर बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। तो पहले तो ये स्टेप सिर्फ सूचना के तौर पे थे, लेकिन जब से इन चीजों पर काम होता दिख रहा है तो लग रहा है कि हाँ मैं देख पा रही हूँ इन स्टेप्स को। और बहुत सारा तो जब संवेदनाओं को पढ़ने का या इंटरेक्शन जब मेरे और शरीर के बीच में है, बहुत सारा उसमें एडिशन कल्पनाशीलता का भी है, तो अगर मेरी कल्पनाशीलता में कहीं द्वंद्व है तो शरीर की संवेदनाओं को पढ़ने के प्रति मेरा ज्यादा ध्यान जाता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ अपने आप में। इसको और ठीक से जांचना जरूरी लगता है, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है। और कल्पनाशीलता जब रिजॉल्व होती है तो शरीर और मैं के बीच में इंटरेक्शन कुछ और होता है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। स्टेप 3 में भी निर्णय मेरा है, जैसा मैंने अभी भी शेयर किया कि निर्णय मेरा ही बना हुआ है, निर्णय का आधार कुछ भी हो, वो सहज स्वीकृति पर आधारित हो, मान्यता या संवेदना पर आधारित हो, सोर्स कुछ भी हो उसका, निर्णय मेरा ही है, ये साफ साफ देख पा रही हूँ। किन परिस्थितियों का या मेरी कल्पनाशीलता का प्रभाव मेरे शरीर पर दिखेगा वो भी निर्णय मेरा ही है, जो भी मैंने उसको अर्थ दिया हुआ है उस हिसाब से वो मेरे शरीर पर प्रभाव दिखेगा। तो इस अर्थ में मैं स्टेप 5 को भी देख पाती हूँ स्टेप 3 के साथ साथ, स्टेप 4 को भी बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। जैसे मैंने दर्द की बात कही तो मैं संवेदना नहीं हूँ, उस संवेदना और मेरे बीच में एक दूरी बनी हुई है। इसको अपने दर्द के संदर्भ में अगर मैं ज्यादा ठीक से जांच पाई हूँ और मुझे दिखाई देता है। स्टेप 6 में ये भी अच्छे से दिख रहा है
जो हमारे डे टू डे इंटरेक्शंस में, बिहेवियर में, जब मैं किसी मान्यता को आधार मानकर अर्थ देती हूँ तो मेरा रिएक्शन एक तरह से हो रहा है, स्वीकृति पर आधारित अर्थ दे रही हूँ तो रिएक्शन अलग तरह से हो रहा है, लेकिन निर्णय मेरा ही बना हुआ है, कोई बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति के द्वारा ये निर्णय नहीं हो रहा है, ये भी मुझे ठीक से दिखाई दे रहा है। और स्टेप 7 को देखने का प्रयास और अभ्यास बना हुआ है, उसमें अभी बहुत ज्यादा उपलब्धि के रूप में मुझे अभी शेयर करने के लिए कुछ नहीं है, उस पर अभ्यास बना हुआ है। जीने में अगर मैं देखूं अपने अपने आप में, पिछले 4 महीनों की अगर बात हम कर रहे हैं तो बहुत ईमानदारी और क्रिटिकली अपने जीने को देख रही हूँ, तो पहले दबाव, प्रभाव, मान्यता और संवेदनाओं का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। भले ही हम ये कह पा रहे थे सिर्फ कहने के लेवल पे कि दबाव, प्रभाव या संवेदनाओं में हम नहीं जी रहे, पहले मैं हमेशा ये शेयर करती थी कि मैं सिर्फ मान्यताओं के लेवल पर तो मुझे अपनी फसावट दिखती है, दबाव, प्रभाव और संवेदनाओं की फसावट मुझे अपने आप में नहीं दिखती। तो वो ऐसा नहीं था कि वो थी नहीं इसलिए नहीं दिख रही थी, वो मैं देख नहीं पा रही थी इसलिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा था कि कहाँ कहाँ मुझे मेरे ऊपर संवेदनाओं का दबाव बना हुआ है, कहाँ कहाँ मान्यताओं का प्रभाव बना हुआ है और कहाँ कहाँ बाहरी दबाव प्रभाव में मैं चल रही हूँ। ये अब दिखना शुरू हुआ है और जब दिखना शुरू हुआ है तो उस पर काम हो ही रहा है और होगा, ऐसा मुझे आश्वस्ति बनी है। तो अभी भी बना हुआ तो है लेकिन उसका परिमार्जन शुरू हो गया है, बहुत छोटे छोटे लेवल से शुरू हुआ है लेकिन फिर भी उसकी आश्वस्ति और उत्साह बना हुआ है। अपना मैं ठीक ठीक आकलन कर पा रही हूँ, पहले अधिकांशतः अपने में अधिमूल्यन अवमूल्यन के बीच में अपने आप को देख रही थी, तो अभी वो थोड़ा कम हुआ है, और लेकिन मान्यताएं और अभ्यास इतने गहरे हैं कि वो होने भी लगता है, लेकिन जैसे ही कभी अधिमूल्यन या अवमूल्यन होता है वो तुरंत दिख जाता है। तो पहले बहुत सारा प्रयास अपनी विशेषता के लिए हो रहा था कि अपने आप को विशेष दिखा ले, और ये बहुत क्लियरली अपने ऊपर ध्यान गया कि जो हमें काम करना है, व्यवहार, कार्य, वो चाहे बाहर हो या मेरे अंदर कोई काम, मैं मुझे अपने आप पे काम करना है, वो विशेषता के लिए नहीं है, वो मेरे अपने परिमार्जन, मेरे अपनी गति के लिए है। ये मुझे पहले से बहुत ज्यादा स्पष्ट हुआ है, अगर मैं स्पेसिफिकली इन 3-4 महीने में अपनी गति की बात करूं तो ध्यान मुझे गया है कि जो कुछ भी मेरा प्रयास है वो मेरे लिए है, मेरे विकास के लिए, मेरी गति के लिए, मेरे परिमार्जन के लिए। इसमें तो एक्सेलेंस पर ध्यान गया है विशेषता को रिप्लेस करते हुए। तो जैसा पहले मैंने ये भी कहा कि जब जब कुछ गड़बड़ होती थी जीने में तो खुद में पीड़ा, डिप्रेशन ये दिखने को मिलता था, लेकिन पीड़ा और डिप्रेशन होने के बावजूद भी उस जगह पर बहुत कुछ प्रोडक्टिव प्रयास हो रहे हैं ऐसा नहीं दिखता था। तो ऐसा लगता था कि वहां शायद मूल्यांकन ठीक से नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर कहीं पर, अपनी परिस्थिति को वो जिम्मेदार मानकर वहां देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए शायद वो प्रयास बहुत ज्यादा नहीं दिखते थे, बस डिप्रेशन में चले जाते हमेशा। लेकिन अभी सतर्कता और सजगता बनती दिख रही है उस जगह पर, सहजता से हो पा रहा है ये तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ सतर्कता और सहजता के, सजगता के साथ में वो मुझे दिखाई दे रही है। एक जो पॉइंट है जहाँ बहुत ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है वो मेरे गुस्सा है मेरे अंदर, तो ये तो दिखने लगा है कि उस गुस्से की वजह बहुत सारी मान्यताएं हैं जो अभी इवेल्युएट नहीं हुई है, मूल्यांकन उनका ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए वो मेरे अंदर बनी हुई है और कहीं ना कहीं मैंने जकड़ रखा है खुद से निर्णय पूर्वक, इसलिए वो इवेल्युएट भी नहीं हो रही और वो ड्रॉप भी नहीं हो रही, उस वजह से मेरा गुस्सा बना हुआ है। इतना शिफ्ट
मुझे गुस्से के बारे में अपना दिखाई दिया है। पहले अपने इस गुस्से की वजह मैं हमेशा दूसरों को मानती थी, अभी तक भी, कुछ महीनों पहले तक भी, लेकिन अभी मुझे सिर्फ इतना बहुत ईमानदारी से दिखना शुरू हुआ कि उसकी वजह मेरी वो मान्यताएं हैं जिनको मैंने जकड़ के रखा और उनको मैंने एवेल्युएट नहीं किया है, इसलिए बनी हुई इतना मुझे दिखाई दे रहा है। तो अभी वो फोकस्ड एरिया है जहाँ काम करना, तो इतना मुझे अपने जीने के बारे में शेयर करना था। और कमिटमेंट की बात मैं करूँ तो सबसे पहला कमिटमेंट तो यही दिखाई दे रहा है कि भले ही बाहर हम जो भी कार्य और व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन सही समझ सही भाव पर तो काम हर वक्त होना ही बनता। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी अर्थ में कर रहे हैं बाहर, लेकिन सही समझ और सही भाव पर ध्यान बनाए रखना और उसको इंश्योर करने का काम तो हर समय होना है, ये दिख रहा है। तो कार्य व्यवहार करते समय खुद पर ध्यान अच्छे से जाता है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, और अपना खुद का मूल्यांकन ठीक से हो पाता, क्योंकि कभी विचार और भाव के लेवल पर तो हमें ऐसा लगता है हम बहुत रिजॉल्व हो गए, लेकिन जब व्यवहार करने जाते हैं, कार्य करने जाते हैं, तो हम अपने भाव और विचार का ठीक से मूल्यांकन कर पाते हैं। तो ये जो बात है कि स्वयं की समझ में कितना समय लगा सकते हैं, तो उसका तो कुछ मतलब उस समय को तो हम निश्चित नहीं कर सकते, मतलब सीमा में नहीं बांध सकते, वो काम तो 24/7 करना है ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये कमिटमेंट मैं अपने अंदर देख पा रही हूँ, ये काम प्रमुखता से करना है, तो ये कमिटमेंट है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो उसके बारे में भी मैं कमिटेड हूँ, और जैसा यहाँ प्रपोज है कि कम से कम दो दो घंटे का समय तो निकाल सकते हैं, तो सही समझ और सही भाव को इंश्योर करने के लिए तो जितना समय दिया जाए कम है। कमिटमेंट के लेवल पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में तो मिनिमम 2 घंटे तो हम निकाल ही सकते हैं, इतना दिखाई देता है, उसके लिए कमिटेड भी हूँ। वॉलेंटियरिंग कर रही हूँ ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन हाँ वॉलेंटियरिंग सीख रही हूँ आप सबके मार्गदर्शन में, उसमें बहुत लोगों का सहयोग है, कुमार भैया का, शर्मिला दीदी का, जो सेशन सुनने में जितनी क्लैरिटी से आप लोगों की बात सुनकर ध्यान बना रहता है खुद पर, उसमें आप लोगों का सहयोग मिला हुआ है। इला दीदी का, उमेश भैया और बहुत से लोग हैं ऐसे जिनका सहयोग मिल रहा है और जिनका कमिटमेंट देखकर प्रेरणा मिल रही है, जिसके कारण अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं भागीदारी दे सकूँ। इतना मेरी तरफ से मुझे बात रखनी थी, धन्यवाद, नमस्ते सभी। कुमार भैया को आमंत्रित कर लेते। तो अर्चिता दी की शेयरिंग अच्छी रही, उन्होंने बहुत बारीकी से अभ्यास 1 और 2 के एक एक बिंदु पे कैसे उनका ध्यान गया है उसको रखा, और वो अपने ऊपर काम तो सिंसियरली कर रही हैं, बीच में थोड़ी गति उनकी रुकी थी कुछ समय पहले से, उसके बाद अब फिर से वो काफी एक्टिव हुई हैं, और जिस परिवार से हैं वो परिवार भी काफी पहले से ही इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े रहा है, तो काफी अच्छी संभावना है आगे के लिए, आपकी भागीदारी भी दिन ब दिन बढ़ रही है ऐसा हम देख पा रहे हैं। सेंट्रल रीजन में जिस तरह से काम को बढ़ने की संभावना है, उसमें आपकी एक और बड़ी भागीदारी हो सकती है, इसलिए इतना ठीक से निर्णय ले पाएंगे और उपयोगी रहेगा आपके लिए भी और समाज के लिए भी। आपको मेरी तरफ से शुभकामना, बधाई, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।